Hello students, welcome back to my class Applied in Business Statistics. जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे नेशनल इनकम को, नेशनल इनकम क्या होती है. कल हम लोग ने इससे पहले वाले लेक्चर पे डिस्कस किया था कि नेशनल इनकम को किस मेथड से निकालते हैं. तो जिसमें दो मेथड्स हम लोग को पढ़ने थे, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड. जिसमें से लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को इनकम मेथड के बारे में बता दिया था, जिसको हम जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं कि इनकम मेथड हमारा क्या होता है. इनकम मेथड हमारा वो मेथड होता है जिसमें हम ओवरऑल नेशन की हर सेक्शन से इनकम जो जनरेट होती है उसको एड ऑन करके हम अपनी नेशनल इनकम पे आते हैं. तो इनकम मेथड में क्या आता है, इनकम मेथड में आता है कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम. कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज क्या होता है, जिसमें वेजेस सैलरीज और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है. ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट आता है, और मिक्स इनकम में इनकम फ्रॉम सेल्फ प्रोफेशन वाला पोर्शन. इन तीनों को ऐड करने पे हमको मिलता था एनडीपीएफसी. एनडीपीएफसी इज इक्वल टू कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, और उससे हमें नेशनल इनकम पे आना था जो भी होता है एनएनपीएफसी. तो एनडीपीएफसी में हम एनएफआईए को ऐड कर दे रहे थे, हमें मिल जा रहा था हमारा नेशनल इनकम. ठीक, तो ये था हमारा इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. इनकम मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि इनकम मेथड में क्या कहा था हमने, ओवरऑल कंट्री में जितने भी सेक्टर्स हैं हर सेक्टर की इनकम जो होगी उस सेक्टर की इनकम को ऐड करेंगे तो हमें इनकम मेथड मिल रहा था. और आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड. तो क्या होगा, ओवर पूरे इकोनॉमी में जितना मतलब जहां जहां से हमारे नेशन में जो जो एक्सपेंडिचर जो जो सेक्टर है, हर सेक्टर के एक्सपेंडिचर को क्लब करेंगे तो हमें मिलेगा हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम का एग्रीगेट. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं. तो हमारे पास इकोनॉमी में चार सेक्टर्स होते हैं. वो सेक्टर्स कौन से होते हैं, पहला सेक्टर होता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा सेक्टर होता है हमारा फर्म्स, तीसरा होता है हमारा गवर्नमेंट, और चौथा होता है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब ये चार सेक्टर होते हैं एक इकोनॉमी के, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. हाउस होल्ड क्या हुआ, हाउस होल्ड मतलब जो नॉर्मल हम लोग एज ए जनरल पब्लिक जो है, जिसको मतलब जो बाकी जगह जाके अपना मतलब जो अपनी फैक्टर सर्विसेज देती है फर्म्स को या गवर्नमेंट को या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाके अलग अलग जगह पे हम लोग अपनी फैक्टर सर्विसेज मतलब एम्प्लॉयमेंट हम लोग को मिलती तो हम लोग जाके काम करते हैं, तो ये हाउस होल्ड सेक्टर का काम है. ये अपना कंजम्पशन क्या करेंगे, इनका क्या होता है जो हम लोग डेली अपना फाइनल कंजम्पशन करते हैं, पर्सनल कंजम्पशन अपना डे टू डे खर्चे निकालने के लिए, तो ये हम लोग का हाउस होल्ड का खर्चा होता है. तो हाउस होल्ड के खर्चे को क्या कहेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. मतलब प्राइवेट या पर्सनल भी लिख सकते हैं, प्राइवेट या पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हमारा होता है हाउस होल्ड सेक्टर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं. सी से क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है जो हम अपने अल्टीमेटली अपने ऊपर कंजम्पशन करते हैं एज एन इंडिविजुअल. हम जो अपने ऊपर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, जो हम अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, अपनी डे टू डे लिविंग के लिए जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, तो उस वो किस कैटेगरी में आता है, वो कैटेगरी आता है पहले हमारे सेक्टर में हाउस होल्ड में, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं. दूसरा हमारा होता है फर्म सेक्टर. फर्म मतलब बिजनेस सेक्टर. बिजनेस सेक्टर क्या होता है, बिजनेस का काम क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करना. बिजनेस का एक्सपेंडिचर क्या होता है, इन्वेस्ट करना. वो अपना पैसा क्या करता है, इन्वेस्ट करता है फर्दर आगे चीजों मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए. तो बिजनेस का एक्सपेंडिचर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट. तो इसमें क्या आता है हमारा बिजनेस के एक्सपेंडिचर में, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस मतलब टोटल नेशनल लेवल नेशन वाइड में हमने जो कैपिटल इनफॉर्म कैपिटल फॉर्म करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट होते हैं, जो कि होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक. मतलब अगर हमें से फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल के बारे में बताए, फिक्स्ड कैपिटल मतलब फिक्स्ड एसेट्स, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट जो होते हैं लैंड मशीनरी प्लांट, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर इन्वेस्टमेंट, ये सब हमारा क्या होता है,
फिक्स्ड एसेट्स होते हैं और दूसरा हमारा क्या होता है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी जिसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल या चेंज इन स्टॉक। वर्किंग कैपिटल या चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक हमारा क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, कितना हमारे स्टॉक में चेंज आया है। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है जो हम बताते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कभी कभी हमको कैसे दिया जिसके दो पार्ट भी हो सकते हैं, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक्स। तो ये हमारा होता है दूसरा सेक्टर जो कि होता है हमारा फर्म का सेक्टर। तीसरा हमारा सेक्टर होता है गवर्नमेंट सेक्टर। तीसरा जो हमारा सेक्टर है वो कौन सा होता है, गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे अपने एक्सपेंडिचर शो कर रही है, क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है, तो वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर के नाम से भी आ सकता है, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से भी आ सकता है। तो गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर कर रही है अपना एक इकॉनमी रन करने के लिए तो वो क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट सेक्टर का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से डिनोट किए जाएंगे। और चौथा होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये चीज आती है मेन इंपॉर्टेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का खर्चा क्या होता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम क्या देखते हैं, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का। अब सबसे पहले ये बताते हैं एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं। एक्सपोर्ट्स हमारे क्या होते हैं, जो हम अपने गुड्स का प्रोडक्शन जो बाहर किसी इंटरनेशनल लेवल पे हम अपने गुड्स का सेल करते हैं या हम अपने गुड्स को बाहर भेजते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट्स। और दूसरा होता है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मतलब हम बाहर की कंट्री से गुड्स खरीदते हैं, इम्पोर्ट कराते हैं, मतलब बाहर की कंट्री से गुड्स जब अपनी कंट्री में लाते हैं तो उसको बोलते हैं इम्पोर्ट्स। तो हम जब एक्सपोर्ट्स करेंगे तो हमें बाहर की कंट्री से पैसा मिलेगा और जब हम इम्पोर्ट करेंगे तो हमको बाहर की कंट्री में पैसा देना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या होता है, इसको हम लोग एक तरीके से बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स के नाम से। नेट एक्सपोर्ट्स की मतलब हमें ये देखना होता है कि हमने कितना पैसा कमाया और हमने कितना पैसा पे किया। अब अगर ये पॉजिटिव में आ रहा है नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा थे इंपोर्ट्स कम थे, इसलिए आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। और अगर नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव में आ रहा है तो उसको क्या बोल देते हैं, नेट इंपोर्ट्स, मतलब हमारा इंपोर्ट्स ज्यादा थे, मतलब हमने खर्चा ज्यादा किया, हमने खरीदा ज्यादा और हमने बेचा कम। तो जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का सेक्टर होता है ये हमारा वो सेक्टर होता है जो हमारे इंटरनेशनल लेवल के ट्रांजैक्शंस को डील करता है। वो इंटरनेशनल लेवल के ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं हमारे, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स। ठीक, तो ये चार सेक्टर होते हैं हमारी इकोनॉमी के। चार सेक्टर कौन से होते हैं, हाउसहोल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन चारों सेक्टर के कौन कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, हाउसहोल्ड का होता है पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का होता है फर्म्स का होता है हमारा क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिर फर्म्स गवर्नमेंट का होता है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का होता है नेट एक्सपोर्ट्स। अब इन सबको फॉर्मूले में पुट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पहले ये बताते फॉर्मूले से पहले कि इस एग्रीगेट मतलब नेशनल इनकम से हमें कौन सा मतलब एक्सपेंडिचर मेथड से हमें कौन सा एग्रीगेट मिलता है। जैसे कि हम इनकम मेथड पढ़ा था, इनकम मेथड से हमें जो सारे हमारे तीनों हेड्स थे उनको क्लब करने पे हमको क्या मिला था, NDPFC। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम में हम जब चारों सेक्टर के एक्सपेंडिचर्स को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDP MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक, तो GDP MP का फुल फॉर्म बताया आपको और इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होता है इसका C+I+G+X-M। फिर से रीड करते हैं, C+I+G+X-M। ये चारों सेक्टर के एक्सपेंडिचर, सी का मतलब क्या होता है, पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर आ रहा था वो हमारा सी से डिनोट होगा। आई क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब जो फर्म्स खर्चा कर रही ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमारा आई को डिनोट करता है।
तीसरा होता है जी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और लास्ट होता है एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट्स, जो कि पॉजिटिव में हुआ तो नेट एक्सपोर्ट्स होएगा और नेगेटिव आए तो नेट इंपोर्ट्स होएगा, लेकिन इसको लिखेंगे हम एक्स माइनस एम ई। अब पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, ये दोनों इसकी पॉसिबिलिटी होती है। तो कहा हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचे कि नेशनल इनकम के एक्सपेंडिचर मेथड से हमको कौन सा एग्रीगेट मिलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी। ठीक, तो इसके अब क्या हुआ, ये तो हमें क्या मिला, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और अल्टीमेटली हमें निकालना क्या होता है, निकालना क्या होता है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का एग्रीगेट एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब बात वही है जो हम लोग ने इससे सबसे पहले नेशनल इनकम के सबसे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें क्या हम लोग ने पढ़ा था कि कौन से तीन मार्केट फोर्सेस से हम एग्रीगेट्स को वेरिएट करते हैं, जिसमें सबसे पहला था डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या करता था, ग्रॉस और नेट के बीच की डिफरेंस को वेरिएट करता था, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते थे तो नेट मिलता था, और नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करते थे तो हमें ग्रॉस मिलता था। ग्रॉस हमारा क्या होता था, टोटल और बैलेंस के बीच के डिफरेंस को हम बोलते थे डेप्रिसिएशन, जो कि एक और नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। दूसरी हमारी मार्केट फोर्स थी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब जो बाहर की कंट्री से, बाहर की कंट्री में मतलब जो हमारे लोग बाहर की कंट्री में काम कर रहे हैं वहां पे जो वो पैसा कमा रहे वो हुआ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और जो बाहर के नेशनल्स यहाँ पे काम कर रहे जो हम उनको पैसा दे रहे तो ये हुआ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो इससे हमें क्या मिलता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये भी पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता था। फिर तीसरा हमारा था एनआईटी। एनआईटी क्या था, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो ये तीन जो कि हमें इफेक्ट करता था मार्केट प्राइस को और फैक्टर कॉस्ट को, और एनएफआई इफेक्ट करता था डोमेस्टिक को और नेशनल को। तो ये तीन मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे हमारे नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स में वेरिएशन आता था। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, जीडीपी से एनएनपीएफसी, मतलब जीडीपी एंड मार्केट प्राइस से एनएनपीएफसी पे आना, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमें इनके हर पार्ट को चेंज करना है, मतलब हमें ग्रॉस से नेट पे भी आना है, ग्रॉस से नेट पे भी आना है। दूसरा हमको डोमेस्टिक से नेशनल पे भी आना है, मतलब एनएफआईए का रोल भी होगा। और तीसरा हमको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे भी आना है, मतलब हमें यहाँ पे तीनों मार्केट फोर्सेस का यूज करते हुए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे आना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, अब ग्रॉस मतलब टोटल, नेट मतलब बैलेंस। तो ग्रॉस पे से नेट पे आने के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को उसमें से माइनस कर देंगे। ग्रॉस में से नेट पे आने के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, तो एक पार्ट हमारा हो गया, हमें ग्रॉस से हमने नेट में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या है, डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक जिसका स्कोप कम होता है, नेशनल जिसका स्कोप ज्यादा होता है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे आने, छोटे स्कोप से बड़े स्कोप पे आने के लिए हम क्या करेंगे, एनएफआईए को ऐड कर देंगे, एनएफआईए उसमें इंक्लूड कर देंगे, तो उसका स्कोप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए हम क्या करेंगे, एनएफआईए ऐड कर देंगे। तो ये हमारा दूसरा पार्ट भी कन्वर्ट हो गया, डी से एंड, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक से नेट नेशनल पे आ गया। अब हमें क्या करना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है। मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस हमारा वो होता है जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है, जिस प्राइस पे हम गुड्स को खरीदते हैं, जिसके साथ में लिखा होता है एमआरपी इज इक्वल टू जो भी हो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब वो कॉस्ट होती है जिसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस टैक्सेस, जिसमें कॉस्ट में एंटरप्रेन्योर अपना प्रॉफिट भी जो होता है और अपने टैक्सेस का पोर्शन भी जो होता है, और फैक्टर कॉस्ट होती है जो उन गुड्स को बनाने में खर्चा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दोस गुड्स, जिसको हम लोग अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मार्केट प्राइस जिसमें टैक्सेस कॉस्ट में टैक्सेस इंक्लूडेड है, और फैक्टर कॉस्ट क्या है, सिर्फ वो कॉस्ट है। तो जब हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो हम क्या करेंगे, उसमें से टैक्सेस को हटा देंगे, क्योंकि क्या है, मार्केट प्राइस में क्या है, उसी फैक्टर कॉस्ट में जब टैक्सेस इंक्लूड कर देते हैं तो मार्केट प्राइस बन जाता है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आने के लिए हम क्या करेंगे, टैक्सेस को उसमें से माइनस कर देंगे, कि हमको क्या मिल जाएगा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे हमने अपना एग्रीगेट कन्वर्ट कर दिया ग्रॉस से नेट,
डोमेस्टिक इनर्शन और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना इस एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम से हमारा क्या फॉर्मूला डिराइव हुआ कि नेशनल इनकम दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू जीडीपी एमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन एट एनएफआईए लेस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और अगर इस फॉर्मूले को और हम लोग एक्सपेंड करें तो इस फॉर्मूले को कैसे हम लिख सकते हैं, नेशनल इनकम फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम माइनस डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और लास्ट में माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये चीज ये पूरा फॉर्मूला हम पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक, तो ये हमारा तरीका होता है एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, जिसमें हम अपने चारों सेक्टर्स के एक्सपेंडिचर को लेके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस पर आते हैं, जो कि होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, मतलब हाउस होल्ड का पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फर्म्स का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स एक्सपेंडिचर। ठीक, तो इस सब से हमें क्या मिलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस से हम क्या आते हैं, नेशनल इनकम पे आते हैं कि हमें क्या निकालना होता है, नेशनल इनकम अल्टीमेटली। तो हम उसमें से मार्केट फोर्सेस को यूज करके, मतलब जीडीपी में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, एनएफआई ऐड करेंगे और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे, तो हमें मिल जाएगा हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट, जो कि होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड होता है। अब बात आई इनके क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इनके एक एक क्वेश्चन भी ट्राई कर लेंगे। अगली क्लासेस में हम क्या करेंगे, आप लोगों को इनके क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे कि कैसे इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, और ये भी बताएंगे एक क्वेश्चन जो होगा अगर उसको इनकम मेथड से करना है, उसी क्वेश्चन को एक्सपेंडिचर मेथड से करना है, तो उसका नेशनल इनकम का अमाउंट सेम आएगा, मतलब जो मेथड हम फॉलो करेंगे तो उस मेथड के पर्टिकुलर्स लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी नेशनल इनकम का अमाउंट वही आएगा जो इनकम मेथड में था, वही आएगा जो एक्सपेंडिचर मेथड में होगा। तो दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आएगा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो हम लोग आगे क्लासेस में क्या करेंगे, थोड़े बहुत इनके क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, जिससे हमको अपने इसमें टॉपिक में थोड़ी आसानी हो जाएगी इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को इनके क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। आज की क्लास को हम यही वाइंड अप करते हैं, तब तक कि आप लोग क्या करिएगा, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के पूरे कॉन्सेप्ट को कायदे से रिवाइज कर लिएगा, इसके फॉर्मूले को मेमोराइज कर लिएगा और कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो हमसे क्लियर कर लिएगा। ठीक, आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं हम आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।